दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आपको मालूम है एक बार इस देश में घोटाला हुआ था, यूरिया घोटाला। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। 133 करोड़ रुपए दिए गए, यूरिया का एक दाना इस देश में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जांच करवाई, पता चला कि वो 133 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हो गया स्विस बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, नरसिम्हा राव के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसको तिहाड़ जेल में भेजा गया और अभी भी वो जेल में है। नरसिम्हा राव तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा जेल में है। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि 133 करोड़ रुपए वो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है किसी की, वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो पैसा वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर 133 करोड़ रुपए वापस आया। हम सुप्रीम कोर्ट में एक ही अपील करना चाहते हैं कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी पैसा आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी पैसा आ सकता है, सभी घोटालों का पैसा आ सकता है, और शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुने। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।